Hello friends, myself your host Harshita and you all one and again welcome to my YouTube channel Dear Life Harshita Paul. After a long time, but sorry friends, मैं आपकी friend, आपकी host, आपकी buddy Harshita फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल डियर लाइफ हर्षिता पॉल में। मैं आज अपने इस वीडियो में PCOD जो एक बहुत गंभीर समस्या है और दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है उस टॉपिक में बताना चाहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इतने दिनों के बाद माना है कि आप लोग थोड़े नाराज़ हो, लेकिन प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। फ्रेंड्स PCOD PCOS एक वुमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि जो बॉयज़ ये वीडियो देख रहे हैं वो इस वीडियो को ना देखें। वुमेन्स गर्ल्स आपके लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है एज अ मदर, एज अ सिस्टर, एज अ फ्रेंड, एज अ वाइफ। तो आपको भी जिम्मेदारी है, आपका ये पूरा पूरी जिम्मेदारी है कि आप उनके प्रॉब्लम को समझें। हो सकता है आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्किल में किसी को ये लक्षण हो तो आप उनका हेल्प कर सकते हैं। आप उन लोगों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि PCOS क्या है। PCOD का फुल फॉर्म है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। सिस्ट, छोटे छोटे सिस्ट का जब बनते हैं तो उससे PCOD कहते हैं। फेलोपियन ट्यूब के पास जो एक का एरिया होता है, जहाँ पे एक बनता है वहाँ पे उस एरिया में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, छोटे छोटे दाना बन जाते हैं, उसे ही कहते हैं PCOD। नाउ डिफरेंट बिटवीन PCOD एंड PCOS। तो PCOD और PCOS का डिफरेंट ये है कि PCOD पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एंड PCOS पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिम्टम। यानी आपको अगर आपका सिम्टम्स है, अभी तक डिजीज में ये तब्दील नहीं हुआ है और PCOD यानी डिजीज में तब्दील हो चुका है। आई होप नाउ इट्स क्लियर। अब मैं बताने जा रही हूँ इनका कारण। तो इनके कई कारण हैं। समटाइम इट्स जेनेटिक, बैड लाइफ स्टाइल, हार्मोनल डिसबैलेंस एट्सेट्रा। ये एक इंड्रोगाइनोटिक डिजीज है जो किसी भी एज ग्रुप के फीमेल को हो सकते हैं। आइदर इट इज मीनार्की और इट इज मेनोफॉल। सो नाउ वी डिस्कस कि इसके लक्षण क्या होते हैं। ओवरवेट, ओवरी में पेन, स्टमक में पेन, ओवर हेयर ऑन बॉडी, एक्नी एट्सेट्रा। अब हम लोग जानते हैं कि इसका निवारण क्या होता है। इसका ऑपरेशनल भी इलाज है और मेडिसिन भी चलता है। लेकिन फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको स्ट्रेस टेंशन से दूर रहना है, नींद अच्छी लेनी है और अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना है। बैड लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रीज़न होता है मैक्सिमम बीमारियों को जन्म देने का। फ्रेंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि आपको प्रॉपरली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।